नमस्कार दोस्तों, पीके एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों चलते हैं, आज की जो वीडियो है हम राशन कार्ड से संबंधित है। अगर जो भी राशन डीलर हैं वो अपना चालान कैसे निकालते हैं और या कैसे निकलवाते हैं और आपको कैसे निकालना है वो सारी चीज़ हम इसमें बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी राशन कार्ड की जो साइट है हम उसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि nfsa.upi.gov.in इस तरह से अगर खुलती है तो कोई दिक्कत नहीं। हमें करना क्या है, हम यहाँ होम पेज पे क्लिक करेंगे, और होम पेज पे क्लिक करने के बाद अगर इस तरह से एरर भी आ रहा है तो इसे हम सेंड एनीवे कर देंगे। और ये करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो fsc.upi.gov.in यहाँ जो आपको वेबसाइट लिंक दे रखी है, इस तरह से ये आपको पोर्टल खुलेगा। हम इसे यहाँ से क्लोज करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब भी आप राशन लेने के लिए जाते हैं तो इससे पहले जो भी राशन डीलर होते हैं वो चालान प्रिंट कराते हैं और उसे वहाँ जो भी खाद्य आपूर्ति विभाग है वहाँ सबमिट करते हैं, तब वहाँ से उनका जो राशन है वो इशू होता है। तो दोस्तों उस चालान को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि उचित दर दुकान ई चालान, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से ये विंडो ओपन दिखाई देगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जिला यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आता है क्षेत्र यानी कि आपका जो एरिया है, अर्बन है या रूरल है, तो यहाँ से नगरी है या ग्रामीण, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में जो भी आपका विकास खंड पड़ता है, अगर ग्रामीण है तो विकास खंड आएगा, अगर नगरीय है तो यहाँ से दोस्तों आपको जो भी आपका निकाय है जो भी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज ग्रामीण है तो ग्रामीण यहाँ टिक करेंगे। और इसके बाद जो भी विकास खंड पड़ता है वो दोस्तों आपको यहाँ से विकास खंड चुनना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों आता है कि दुकान कोड संख्या, और जो भी आप यहाँ कोड संख्या जो भी राशन डीलर है, हर एक राशन डीलर की अलग अलग अपनी कोड संख्या होती है, वो आप यहाँ डालेंगे। और यहाँ डालने के बाद दोस्तों आवंटन माह यानी कि अगस्त, तो ये अगस्त का ऑटोमेटिकली आएगा, आपको यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसके बाद आता है आवंटन का प्रकार, आवंटन के प्रकार में नियमित है और एक है अतिरिक्त। तो आप देख रहे हैं कि पहले नियमित बढ़ता था वन टाइम, लेकिन कोविड के चलते हुए जो हमारी केंद्र सरकार है उसने दो बार आवंटन करने का प्रारूप कर दिया है, एक मंथ के फर्स्ट वीक से में होता है और एक लास्ट वीक में। तो दोस्तों यहाँ से जो नियमित यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, नियमित फर्स्ट वीक में होता था लेकिन अब जो नियमित का चालान निकल रहा है वो अतिरिक्त जो निकलना चाहिए वो हम नियमित ही अब सेलेक्ट करके निकालेंगे, और थोड़ा सा ऊपर से ही चेंजेस है और कोई नहीं, हम यहाँ नियमित से कर रहे हैं जबकि यहाँ अतिरिक्त का होना चाहिए क्योंकि ये हमें अतिरिक्त राशन मिलता है इस समय लास्ट मंथ के मोमेंट पर। तो दोस्तों हम यहाँ से अभी नियमित कर लेंगे, वहाँ से ऊपर से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और यहाँ इसके बाद आपको शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो भी राशन डीलर हैं ब्लॉक वाइज ये यहाँ से आपके खुल जाएंगे। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत, यहाँ से आपकी जो भी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये दुकान कोड दे रखा है, और इसके बाद जो भी आपका राशन डीलर है कोटेदार का यहाँ नाम दे रखा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से ये चालान डाउनलोड कर लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से ये चालान फॉर्म आएगा, एक यहाँ देख रहे हैं कि आप ई चालान फॉर्म जमाकर्ता प्रति कॉपी है, और इसके बाद दूसरा ई चालान फॉर्म ये गोदाम प्रभारी के लिए प्रति कॉपी है, और एक यहाँ आता है ये बैंक के लिए प्रति कॉपी है, यानी कि तीन कॉपियाँ निकलेंगी। और आप यहाँ से जो है प्रिंट के माध्यम से इसे प्रिंट कर सकते हैं और इस तरह से आप राशन डीलर को निकाल करके दे सकते हैं। यही ई चालान फॉर्म होता है जिसके माध्यम से आप राशन, जो भी राशन डीलर हैं वो राशन आप लोगों के लिए उठा करके लेके आते हैं। यहाँ उनके नाम का जो भी पात्र गृहस्थी कितने हैं, अंत्योदय कितने हैं, और ये सारी क्वांटिटी दे रखी है कितना कितना माल आना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से आप ई चालान कैसे डाउनलोड करते हैं वो आप इजीली से कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन प्रेस अवश्य करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से आ सके। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।